हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इन्फिनिक्स नोट 30 वगैरह, अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी इन्फिनिक्स का फ़ोन है, तो आप वीडियो देख के अपने फ़ोन के अंदर कॉल वेटिंग की एक सेटिंग रहती है गाइस, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको अपने फोन की डायलिंग में जाना पड़ेगा। डायलिंग में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्री मतलब सेटिंग्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंपल तरीके से गाइस, जो कि आपके सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो करियर फीचर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप गाइस अपनी सिम सेलेक्ट करेंगे। सिम सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कॉल वेटिंग की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब ये कॉल वेटिंग की सेटिंग क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस काफ़ी अच्छे से। जैसे गाइस डूरिंग ए कॉल लिखा आ रहा है यहाँ पे, डूरिंग ए कॉल नोटिफाई मी ऑफ इनकमिंग कॉल्स। आप एक कॉल के दौरान किसी से बात कर रहे हो, उसी टाइम गाइस आपको सेकंड बंदा कॉल करेगा, तब गाइज आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एक बंदे से आप बात कर रहे हो और दूसरा बंदा आपको कॉल कर सकता है। ओके, तो इस टाइप से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। तो गाइज आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना रहता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज हम मिलेंगे आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।